हाँ नमस्ते बच्चों चौदह पॉइंट तीन तक क्वेश्चन हो गए थे अपने मैंने बता दिए थे और लास्ट में बच्चों के दो तीन क्वेश्चन है वो सेम प्रोसेस है इसका सेम मेथड है करने का वो आप कर लेंगे कर लेंगे ना बच्चों आगे बढ़े अब चलिए चौदह पॉइंट चार अपन आज देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है वो बोल रहा है कि दैनिक आय रुपयों में दे रखी है श्रमिकों की संख्या दे रखी है निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के पचास श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाता है शो कर रहा है वर्ग अंतराल सौ से एक सौ बीस एक सौ बीस से एक सौ चालीस बीस बीस के वर्ग माप में दिया हुआ है बारम्बारता दे रखी है अपने पास जिसको श्रमिकों की संख्या बोला इन्होंने उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचय बारम्बारता बंटन में बदलना है और उसका तोरण खींचना है तोरण खींचने का मतलब हुआ कि अपन को ग्राफ में बताना है देखो इसी पेज पे तीन सौ बीस के ऊपर ग्राफ में बता रखा है ना एक एग्जाम्पल बता रखा है तो इससे ये इसमें तो देखो से कम और से अधिक दोनों प्रकार के जो अपन सारणी से प्राप्त करेंगे उसके बाद में इसमें ग्राफ बना रखा है दोनों प्रकार के एक में ही है और जहाँ पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं से कम प्रकार का भी इसी में बनेगा से अधिक प्रकार का भी बनेगा ये दोनों जहाँ पे कट करते हैं उसका भुज जो होगा या एक्स एक्सेस पर उसका मान वही ही कहलाता है चलो ये बाद की बात है पहले अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि से कम प्रकार के संचय में बारम्बारता बंटन सारणी को बनाना है तो से कम प्रकार की बारंबारता बंटन सारणी अपने पास चौदह पॉइंट तीन में भी आई थी आई थी ना बच्चों ध्यान है ना तो अपन को यहाँ से बारंबारता से अपन को से कम प्रकार की बारंबारता बंटन सारणी बनानी है तो चलिए देखिए सबसे पहले तो अपन को क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास ठीक है ना जो क्वेश्चन इसमें बुक में है वही मैंने लिखा है अब अपन को क्या करना है कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है ही है एफ़ आपके पास है ही ठीक है ना एफ़ दिया हुआ है ना अब अपन को क्या करना है सी एफ़ ज्ञात करना है सबसे पहला काम ही अपन को क्या करना होता है बच्चों सी एफ़ अपन ज्ञात करेंगे और इसके अंदर ग्राफ भी काम में आएगा तो मैं इसके बाद में ग्राफ भी बताऊंगी चलिए सी एफ़ देख लेते हैं सबसे पहले सी एफ ज्ञात करना आता ही तुम्हें आता है ना बच्चों हाँ सबसे पहले क्या करते हैं फर्स्ट वाला जो दे रखा है उसको एज एज इटिस रख देंगे बारह के बारह ठीक है और ये अपने पास चौदह आठ छ और दस लिख दो बारंबारताओं का योग कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है फैक्ट्री के पचास श्रमिकों की देनी का है। और अगर यहाँ पे बारंबारताओं का योग करोगे तो ये भी आपके पास पचास ही आने वाला है ठीक है ना बच्चों अब चलिए आगे ये एक मिनट मैंने इसको लाइन नहीं खींची है साड़नी कम्प्लीट नहीं हो मानते इसको सारणी को खुली भी नहीं छोड़नी है ना चारों तरफ से पैक होनी चाहिए चलिए अब अपन को यहाँ पे प्लस लगाना है है ना जो बारंबारताएं दे रखी है उसको एज एज इट इज़ यहाँ रख दीजिए ठीक है प्लस लगा दीजिए सबसे फर्स्ट वाली बारंबारता बारह ऐसे कैसे ही क्योंकि इसके पहले उसको कुछ नहीं मिला जीरो ऐड करेंगे तो बारह का बारह ही आएगा मैंने बारह लिखा है अगले वाले में जोड़ दीजिए ये इस तरह से जोड़ते हैं देखो चौदह प्लस बारह बराबर लिख दो फिर यहाँ पे बारह आठ प्लस जो भी योग आएगा उसको लिख दो तो मैंने ऐसे तिरछा जोड़ने की बजाय ये बारम्बारताएँ मैंने यहाँ लिख दी है प्लस का साइन लगा दिया है अब अपने पास चौदह प्लस बारह कितने होंगे चार और दो छः छब्बीस लिख दो ये छब्बीस अगली वाली लाइन में आ जाएगा छब्बीस और आठ कितने हो गए बच्चों चौंतीस ये चौंतीस अगली वाली लाइन में लिख दो चौंतीस और छः कितने हो गए चालीस कर दो चालीस चालीस अगली लाइन में आ जाएगा तो चालीस और दस कितने हो गए पचास तो ये सी एफ बन गया अब अपन को सी एफ तो आई गया है अब से कम प्रकार के संचय मार बंटन सारणी बनानी है तो इसके लिए क्या करेंगे ये श्रमिकों की संख्या सी एफ है जो हमने ज्ञात कर ली है वो ऐसे के ऐसे यहाँ पे आ जाएगी और से कम प्रकार में अपने चौदह पोर्ट तीन में देख ही लिया था यहाँ पे जो उच्च सीमा है वो यहाँ पे लिख देंगे से कम से कम क्योंकि यहाँ पे उच्च सीमा एक सौ बीस एक सौ बीस से कम एक सौ चालीस से कम एक सौ साठ से कम एक सौ अस्सी से कम और दो सौ से कम इस प्रकार से ही लेते हैं ना अपन नाइन्थ में सीखा था ना अपन ने जब आंकड़े बिखरे हुए थे उनको सारणी में बनाया था तो अपन ने अगर एक सौ बीस आ रहा था तो अपन ने एक सौ बीस निम्न सीमा वाले में अपन ने काउंट किया था ठीक है तो यहाँ पे अपन ऐसे ही लिख देंगे एक सौ बीस से कम तो से कम में तो उच्च सीमा काम में लेते हैं और अधिक वाले में अपन निम्न सीमा काम में लेंगे पहले से कम वाली बना लेते हैं तो एक सौ बीस एक सौ चालीस एक सौ साठ एक सौ अस्सी और दो सौ ठीक है और ये से कम अपन यहाँ पे लिखते जाएंगे और सबसे सिंपल है सी एफ ज्ञात कर रखा है अपन ने सी एफ इसमें लिख देंगे बारह छब्बीस ये चौंतीस ये चालीस और ये पचास ठीक है ना आ गया अब यहाँ पे अपन ने इसने बोला है कि भाई तोरण भी ज्ञात करना है तो तोरण के लिए अपन को ग्राफ के बिंदु भी तो चाहिए ना बच्चों तो ग्राफ के बिंदु इसी में लगा देती हूँ मैं ठीक है ना तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफ के बिंदु ग्राफ के बिंदु के लिए आप नाम तो कुछ भी डाल सकते हो ए बी सी डी पी क्यू आर एस कुछ भी लिखो अपन को पॉइंट ले लो एक सौ बीस पर बारह तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक सौ बीस कोमा बारह ठीक है ना ये जो वर्ग अंतराल है से कम से अधिक से अपन ने उच्च सीमाएँ ली है ये हमेशा एक्स एक्सेस पे लेंगे बारम्बार आएगी वो अपने पास वाई एक्सेस पे लेनी है चलो एक सौ चालीस पर कितना हो गया एक सौ चालीस कोमा छब्बीस लिख दूँ जय मार मार्ता क्या आ रही है एक सौ साठ पे क्या रही आ रही है बच्चों चौंतीस आ रही है चलिए एक सौ अस्सी पे कितनी आ रही है चालीस आ रही है और दो सौ पे कितनी आ रही है पचास आ रही है ठीक है ना अब देखो जैसे जैसे ये अपने पास ये से कम वाले में वर्ग अंतराल में ये डिजिट बढ़ते जा रहे हैं वैसे के वैसे ही ये वाली चीज़ भी बढ़ती जा रही है इसका मतलब से कम में जो तोरण खींचेंगे वो नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में मिलने वाला है ठीक है ना चलिए अब अपन यहाँ पे से अधिक प्रकार के संचय बारम्बार तो बंटन साड़नी बना लेते हैं बना लेना बच्चों चलो जिसको समझ में नहीं आ रहा कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आया अरे भाई कुछ नहीं करना है क्वेश्चन दिया हुआ है एज इज इट इज़ लिखा अपन ने बारम्बारता दी हुई है बारम्बार का योग क्वेश्चन भी दिया हुआ है करना क्या सी एफ याद करनी है सी एफ के लिए अपन क्या करेंगे बारह तो ऐसे कैसे लिखा ये जो अपने पास बारम्बार दी हुई है ऐसे कैसे लिख दी मैंने अगले वाले में सी एफ वाले डिब्बे में प्लस का निशान लगा दिया फर्स्ट वाले क्रम संख्या फर्स्ट से जो योग आया उसको अगले वाले में लिखते जाओ बारह लिखा जोड़ दो छब्बीस छब्बीस को अगले वाले में जोड़ दो आठ जोड़ दो चौंतीस में छः जोड़ दिए चालीस में दस और आ गए तो जोड़ दिए पचास हो गए अपने पास ठीक है ना संचय बारमवार्ता जो बंटन सारणी बनानी है से कम प्रकार की उसमें कुछ भी नहीं है उच्च सीमा से कम लिख दो उच्च सीमा लेते हुए से कम लिख दो और सी एफ लगा दो सिंपल सा काम है और ग्राफ के बिंदु है यहाँ से अपने पास 120, 12, 140, 26 इस प्रकार से ग्राफ के बिंदु आ जाएंगे ग्राफ के बिंदुओं को नाम अपने पास कुछ भी दे सकते हैं जैसे मैंने पी क्यू आर एस टी आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो ठीक है ए बी सी डी लिख दो कुछ भी लिख दो चलिए आगे बढ़े से अधिक प्रकार के संचय बारम्बार बंटन सारणी बनानी है से अधिक प्रकार में अपन को क्या करना है इसमें थोड़ा सा अलग काम होगा चलिए सबसे पहला जो क्वे... अपने पास क्वेश्चन में दे रखा था वर्ग अंतराल इसमें उच्च सीमा तो अपन ने से कम में ले ली अब निम्न सीमा सौ से अधिक और एक सौ बीस से कम बोल सकते हैं तो एक सौ बीस से कम तो अपन ने से कम में ले ली और सौ से अधिक वो अपन ने यहाँ पे से अधिक प्रकार की संचय बारंबारता बंटन सारणी ले रहे उसके अंदर काम में ले लेंगे चलिए यहाँ पे अपने पास क्या है सौ है सौ से अधिक या बराबर या बराबर भी लिखते हैं यहाँ पे एक सौ बीस लिखा एक सौ चालीस लिखा एक सौ साठ लिखा और एक सौ लिखा से अधिक या बराबर से अधिक या बराबर ये मैं डैश कर रही हूँ तुम लोग तो पूरा ही लिख लेना ये नहीं है कि मैडम ने भी ऐसे डैश लगाया तो तुम भी डैश ही लगा दो चलिए अब अपन बारम्बारता लिख देते हैं बारह चौदह आठ छः और दस और बारम्बारता का योग कितना आया था पचास से कम वाले में जो संचय बारम्बारता बंडन सारणी है वो सबसे इजी है क्योंकि सी एफ निकाला और सी एफ को डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख दो और ग्राफ के बिंदु इजी वे में मिल गए थे मिल गए ना ये वाले ग्राफ के बिंदु चलिए से अधिक में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बारंबारता तो लिख ही थी अपन ने एफ़ लिख दिया है यो कितना आ रहा है पचास सबसे ऊपर फर्स्ट वाले डिब्बे में पचास रख दो सबसे ऊपर वाले में फ़र्स्ट वाले में क्या लिखना है पचास लिख दो लिख सकते हैं ना बच्चों वापस समझो से कम प्रकार की संचय मारंबारता बंटन सारणी में जो सबसे पहले हम सी एफ निकालते हैं उसको उठा के ऐसे कैसे यहाँ पर डाल दो बस ये काम खत्म इसकी उच्च सीमा लेनी है और सी एफ उठा के रख दो ग्राफ के बिंदु ईजी वे में मिल जाएंगे से अधिक में निम्न वर्ग अंतराल जो भी दे रखा है वो डाल दो बारम्बारता दी हुई है वो लिखनी है अब अपन को सी एफ निकालनी किसके लिए से अधिक प्रकार की संचय मारंबारता बंटन सारणी के लिए चलिए सबसे पहले सी एफ में फर्स्ट वाला जो अपने पास क्रम संख्या है उसमें जो बारंबारताओं का योग है वो रखेंगे बारंबारता का योग कितना आ रहा है पचास आ रहा है चलिए अब अपने पास पचास में से बारह गए तो यहाँ लिखना है यहाँ का जो भी आएगा इसमें से माइनस करके अगले वाले डिब्बे में आएगा तो अब अपन को क्या करना है कि यहाँ पे अपन को माइनस करना है जो फर्स्ट वाला डिब्बा है उसका बारह लिख दो यहाँ पे चौदह अगले वाले में लिखो आठ अगले वाले में लिखो ठीक है ये छः अगले वाले में लिखो अब ये ध्यान रख लेना कि यहाँ पर जो माइनस करेंगे ना वो दस आना चाहिए तब तो तुम्हारा ये जो सी एफ निकालना है किसके लिए इससे अधिक प्रकार के संजय बारंबारता था बंटस झाड़ने के लिए तो वो सही अदरवाइज़ गलत होगा अब देखते हैं देखो सबसे पहले तो पचास का तो पचास ही आएगा अगले वाले में पचास लिखो पचास में से बारह गए ऐसे पचास में से बारह गए तो अपने पास कितने बचे बच्चों अड़तीस लिख दूँ ये अड़तीस ये अड़तीस अगले वाले डिब्बे में लिख दो अगले वाले क्रम संख्या तीन में लिख देंगे क्योंकि अड़तीस माइनस चौदह अगले वाले में लिख दो तो अड़तीस में से अपने पास चौदह गए तो कितने बच्चे बच्चों चौबीस चौबीस अगले वाले में लिख दो क्रम संख्या चार में चौबीस लिख दिया अब इसमें से अपने पास चौबीस में से आठ गए तो चार तो ये गए चार वो गए सोलह आ गए सोलह अगले में लिखो अब सोलह में से छः गए तो दस आ रहे हैं क्या बिल्कुल आ रहे हैं ये दोनों सही आ रहे ठीक है देखो सबसे पहले सिंपल सिंचाई बारम्बार्ता निकालते हैं बारम्बारता का योग अगर ये दोनों सेम आ जाता है इसका मतलब ये टेबल अपनी सही चल रही है से अधिक प्रकार में जो माइनस करते हैं लास्ट वाला और फर्स्ट वाल इसका अपने पास बारम्बारता है क्रम संख्या पाँच की वो अगर सेम आ रही है तो अपना ये जो सी निकाला है वो से अधिक प्रकार के लिए वो अपना सही है ठीक है ये अपने पास बारम्बारता का योग कितना आ गया पचास दिया हुआ है ठीक है ना चलिए वापस एक बार अपन से अधिक प्रकार की संचय बारंबारता बंटन सारणी है उसको अपन वापस देख लेते हैं देखो से कम में तो अपने पास जो उच्च वर्ग सीमा है वो ले लो और से कम से कम लिख दो से अधिक में क्या होगा कि निम्न जो वर्ग अंतराल में निम्न सीमा जो दे रखी है उसको ले लो से अधिक या बराबर लिख देनी है ठीक है संचय बारंबारता निकाल रखी है से कम में तो डायरेक्टली संचय बारंबारता लिख दो और ग्राफ के बिंदु इन दोनों को मिला के अपन लिख सकते हैं से अधिक में अपन ने निम्न वर्ग अंतराल में, में से निम्न सीमा ले ली है वर्ग अंतराल में से निम्न सीमा ले ली है अपन ने बारंबारता ऐसे कैसे लिखनी है और से अधिक प्रकार के लिए सी एफ निकालना है तो बारंबारता का योग पचास लिखा पचास में से बारह गए अड़तीस बचे अड़तीस में से चौदह गए तो अपने पास चौबीस बचे चौबीस में से आठ गए तो सोलह बचे सोलह में से छः गए तो दस ये दस इसके बराबर आ रहा है इसका मतलब अपनी सारणी सही है चलिए से अधिक प्रकार के लिए अपन ग्राफ के बिंदु निकाल लेते हैं फिर अपन को ग्राफ भी बनाना है ना चलिए ग्राफ के बिंदु निकाल लेते हैं तो देखो सौ पे कितना आया पचास तो सौ को मैं पचास लिख दूँ ना यहाँ पे लिख दो ग्राफ के बिंदु ग्राफ के बिंदु चलिए हाँ अब तुम बताओ एक सौ बीस पे क्या लिखूँ अड़तीस आ रहा है ना ठीक है बारम्बारता नहीं लिखनी है सी एफ लिखनी संचय बारम्बारता एक सौ चालीस क्या बच्चों हाँ आवाज़ आ रही है चौबीस हाँ बिल्कुल सही है एक सौ साठ पे क्या है बच्चों सोलह है चलिए और यहाँ पे एक सौ अस्सी पर क्या है बच्चों दस है अब देखो सौ पे पचास एक सौ बीस पर अड़तीस कम होते जा रहे हैं इसका मतलब से अधिक में ऊपर से नीचे की तरफ उतरेगा ग्राफ और वो से अधिक में और से कम में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा अब वो कैसे बढ़ेगा अपन ग्राफ के बिंदु में देख लेते हैं टेबल तो समझ में आ गई ना ग्राफ के बिंदु समझ में आ गए किस तरह से लेने यहाँ जो अपने पास वर्ग अंतराल से जो अपन ने सीमाएँ ली निम्न सीमाएँ वो और सी एफ दोनों बिला के ग्राफ के बिंदु लगा लेते हैं इसमें उच्च सीमा लेके सी एफ लिखा वो ग्राफ के बिंदु बना लेते हैं ठीक है चलिए अब अपन ग्राफ बनाना सीख लेते हैं ये ग्राफ तो देखा होगा ना बच्चों तुमने दिखा हुआ है चलिए ग्राफ में अपन को सबसे पहला काम क्या करना है इसमें एक्सेक्सेस और वाई एक्सेस बनाइए चलिए तो एक्सेक्सेस वाई एक्सेस बना लेते हैं जो गहरी लाइन है उस पर आप यहाँ पर दिख रहा है ना तुम्हें ये मैंने वाई एक्सेस खींच दिया है यहाँ पर मैंने एक्सेक्सेस खींच दिया है चलिए ये ले लीजिए थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ मैं इसको चलिए एक्सेक्सेस और वाई एक्सेस दोनों बना दिए हैं ये जो बिंदु आएगा उसको क्या बोलते हैं बच्चों मूल बिंदु जीरो जीरो इसके निर्देशांक क्या होते हैं जीरो जीरो नाइन्थ में पढ़ा होगा ना ग्राफ एट्थ से नाइन्थ से टेंथ से अपन पढ़ते आ रहे हैं टेंथ में तो पढ़ रहे हो है ना ये एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको ये जो अपने पास लाइन खींची है ये वाई एक्सिस है इधर की साइड में माइनस वाला आ जाता है माइनस का एक्स एक्सिस और ये माइनस के वाई जो वाई की वैल्यू या एक्स की वैल्यू जो नेगेटिव आती है वो इधर अपन लेते हैं अपने पास अभी तो पॉजिटिव का ही काम है इधर इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम आएगा प्रथम चतुर्थांश में ही ग्राफ बनने वाला है कैसे पता लगाया क्योंकि अपने पास सारणी में सारे जो अपने पास एक्स और वाई का मान है सारे ही पॉजिटिव है चलिए अब अपन ने देखा यहाँ पे कि ग्राफ के जो बिंदु आ रहे हैं एक सौ बीस से कम यहाँ पे सौ से अधिक जो सौ से दो सौ तक के पॉइंट लेने हैं और गैप कितना चल रहा है इनमें बीस बीस का अंतराल चल रहा है वर्ग माप बीस का है चलिए यहाँ पे अपन इसको ग्राफ को ब्रेक कर देते हैं ग्राफ ब्रेक का मतलब हुआ कि जो बीस बीस का गैप चल रहा है ना वो आगे वाले को हमने छुपा लिया है ठीक है ना तो यहाँ पर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ पे सबसे पहले मैंने सो लिया ठीक है ना तो कहाँ तक चल रहा है सो से एक सौ बीस ये अपने पास एक सौ बीस यहाँ पर एक सौ तीस सॉरी एक सौ बीस एक सौ तीस के सॉरी एक सौ चालीस आएगा ना यहाँ तो बीस बीस का ले रहे हैं यहाँ पर एक सौ साठ एक सौ अस्सी अब ये देखो अपने पास इसमें तो बहुत पास पास में आ रहे हैं बिंदु अरे क्यों ना अपन एक दो जो बॉक्सेस हैं उनको अपन बीस का गैप दे देते हैं है ना ताकि अपने पास थोड़ा सा ग्राफ है वो खुला खुला बनेगा चलिए कैसे देखो सबसे पहले मैंने सौ लिखा अब एक सौ बीस दो बॉक्स को छोड़ते हुए अगले वाले लाइन पे लिख दूँ मैं यहाँ पे एक सौ बीस लिखा मैंने चलिए अब अपने पास एक ये वाले दूसरे बॉक्स पे 140 लिख दूँ फिर 160 हो गया यहाँ पे 180 हो गया और यहाँ पे 200 हो गया ठीक है ना अब देखो संजय मार मार्ता क्या, क्या क्या आ रही है क्या क्या आ रहे है बिंदु बारह छब्बीस चौंतीस चालीस पचास इधर भी आ रहे हैं अड़तीस चौबीस सोलह दस पचास इसका मतलब अगर अपन दस वाई एक्सेस पे दस का पहाड़ा बोल सकते हैं ना चलिए यहाँ पे मैं बोल देती हूँ दस ये बोला मैंने बीस ये बोला तीस ठीक है ये बोला चालीस और ये बोल दिया मैंने पचास आप यहाँ पे एक एक बॉक्स पे भी दस बीस तीस चालीस पचास बोल सकते हैं ठीक है ना फिर लाइनें गिनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तीसरी लाइन है तो अपने पास जैसे तेरह है तो दस के बाद में एक दो तीन तीसरी लाइन तेरह को शो करेगी अब यहाँ पे बीस लाइनें हैं वो दस के बराबर है मतलब एक है वो दो लाइनों के से काउंट होगा जैसे बारह है तो अपने पास दस के बाद में चार लाइनें होगी वहाँ पे बारह काउंट होगा ठीक है ना ये तो ग्राफ की छोटी छोटी चीज़ें हैं पहले समझ चुके हो तुम चलिए अब अपन से कम प्रकार का बना लेते हैं ग्राफ से कम वे क्या है एक सौ बीस पे बारह चलो फटाफट देखो एक सौ बीस ये रहा इस पर बारह दस तो ये रहा दस के बाद बारह का मतलब हुआ दो दूनी चार चौथी लाइन गिननी है तो ये देखो यहाँ पे यहाँ पे दो और ये दो चार चौथी लाइन पे ये बारह हो गया ठीक है ना दिख रहा है तुम्हें तो बच्चों ये देखो है ना चलिए अब अपने पास दूसरा बिंदु क्या है एक सौ बीस पे हो गया एक सौ चालीस पे छब्बीस एक सौ चालीस पे छब्बीस को बीस के बाद में अपने पास छनी बारह लाइन गिननी है तो ये तो दस तो हो गई और दस के आगे दो लाइन और बढ़ जाओ ये बढ़ गए अपन फिर अपने पास ग्राफ का बिंदु क्या है एक सौ साठ पे चौंतीस एक सौ साठ पे चौंतीस बढ़ो तीस चार दूनी आठ आठवीं लाइन ये आठवीं लाइन एक सौ साठ पे फिर एक सौ साठ के बाद में एक सौ अस्सी पे चालीस एक सौ अस्सी पे चालीस चालीस तो अपने पास सामने दिख रहा है ये एक सौ चालीस एक सौ अस्सी पे चालीस हो गया अब दो सौ पे पचास ये दो सौ है तो दो सौ पे पचास पचास तो दिख ही रहा है अपने पास ये दो सौ की लाइन और ये हो गया पचास ठीक है ना अब इसको आप फ्री हैंड से जोड़ो या फिर दो दो ग्राफ के दो बिंदुओं को स्केल से लेते हुए जोड़ सकते हैं आप है ना क्योंकि एक साथ तो ये एक ही लाइन में तो है नहीं सीधी रेखा में थोड़ी बच्चों ये सीधी रेखा में नहीं है तो देखो थोड़ा सा स्केल से थोड़ी तिरछी लाइन चलेगी कोई बात नहीं तुम लोग सही कर लेना ठीक है ना चलिए अब अपने पास से कम प्रकार का हो गया तो फर्स्ट में तो केवल से कम प्रकार का ही बर्म बंटन साड़नी बना के तोरण खींचना तोरण का मतलब हुआ अरे वो तोरण वो नहीं है जो अपने पास दूल्हा जो शादी करने जाता है और वहाँ पे घर के बाहर वो तलवार से मारता है वो नहीं है यहाँ पे तोरण का मतलब हुआ ग्राफ खींचना ठीक है अब मैं इसी में ही ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है ग्राफ मैं इसी में ही से अधिक प्रकार की बना दूँ या तुम बना लोगे चलो मैं बना देती हूँ फटाफट अब देखो सो पे क्या है पचास इसी में ही सो पे पचास देखो ये रहा अरे वाह इजी वे में मिल गया ये तो अब एक सौ बीस पे 38 एक सौ बीस तो अपने पास कितना होगा आठ दूनी सोलह सोलवी लाइन ठीक है ना तो अपने पास दस और छः और गिन लो तो ये ये वाला हो गया पॉइंट चलिए अब अपने पास यहाँ पे जो अपन ने दिए थे इसको पी ये क्यू ये आर एस और टी नाम दिए थे दे दिए ऊपर वाले अब एक सौ चालीस पे चौबीस एक सौ चालीस पे चौबीस चौबीस चार दूनी आठ तो अपने पास कितना आएगा एक सौ चालीस पे चौबीस चार दूनी आठ लाइन तो अपने पास यहाँ को क्या आएगा देखो यहाँ पे चार दुनी आठवीं लाइन ये हो गई ठीक है ना भाई छब्बीस के पहले ही आएगा ना ये तो चौबीस तो चलिए अब एक सौ साठ पे है सोलह एक सौ साठ पे सोलह तो छह दुनी बारहवीं लाइन है तो अपने पास यहाँ पे ये यह दसवीं लाइन और ये दो, दो बारहवीं लाइन पॉइंट है ना मिल गया एक सौ अस्सी पर दस एक सौ अस्सी पे दस तो सिंपल ही है ये रहा एक सौ दस हो गया है ना ये बेटा तुम ग्राफ में बनाओगे ना तो फिर पता चलेगा इसमें तो मैं केवल तुम्हें बता ही रही हूँ कि अपन को इस तरह से अपन को ग्राफ बनाना है चलिए इनको मिला देते हैं अपन मिला दे बच्चों चलिए देखिए फर्स्ट और सेकेंड वाले को पॉइंट मिलाया सेकेंड और थर्ड को मिला दिया अब थर्ड और फोर्थ को मिला देंगे अपन यहाँ पे चलिए ये देखो थोड़ा सा तिरछा चला गया और अब यहाँ से ये लास्ट वाला मिल गया है ना ये थोड़ा सा लाइन तिरछी हो गई ये मिला दिया अपन ठीक है ना बच्चों थोड़ा सा देखो लाइन मेरी इस पेंसिल थोड़ी गहरी चल रही है ना इसलिए वो पुराना वाला लाइन हट नहीं रहा है तो तुम ये मत सोचना मैडम तो कैसे कहते हैं कि भाई क्लीन क्लीन काम करो और मैडम ने कि खुद के ही ऐसे ही हो रहा है तो मेरी थोड़ी सी स्केल हिल गई चलिए अब तो ठीक है ना चलिए अब यहाँ से अपन को ग्राफ से ये क्वेश्चन देखो तुम्हारे प्रश्नावली जो दी हुई है चौदह पॉइंट चार उसमें अपने पास क्वेश्चन नंबर एक कर लिया दो में भी अपने पास से कम प्रकार का तोरण खींचना है इसमें भी वापस सीएफ निकाल लेना डायरेक्टली केवल एक ही से कम प्रकार की जो अपन ने देखी थी ना ये वाली सारणी अपन ने फर्स्ट वाली यही बनानी है केवल क्वेश्चन नंबर दो में तीन में अपने पास से एक अधिक प्रकार का बन बारम्बारता बंटन सारणी बनानी है तोरण खींचना है तो से अधिक प्रकार का ये वाला जो से अधिक प्रकार का है इस तरह से बनानी है ठीक है ना निम्न वर्ग अंतराल ले लो एफ लिखो सी एफ से जो बारम्बारता का योग है लिख के माइनस करके ग्राफ के बिंदु निकाल लेंगे इसमें मैंने इस क्वेश्चन में मैंने दोनों ही चीज़ें मतलब ये मान लो कि पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन तीनों ही क्वेश्चन अपन ने एक ही क्वेश्चन में समझ लिया है ठीक है ना तो अब अपने पास इसमें माध्यक भार भी ज्ञात करना है इसमें भी अपने पास इसमें केवल तोरण ही पूछा है इसमें अपने पास तोरण ही पूछा है क्वेश्चन नंबर दो में माध्यक भार पूछा है से कम प्रकार वाले में तो अपन को क्या करना है कि जब से अधिक और से कम दोनों प्रकार के जो तोरण है वो अपन ने खींच लिए एक तो यहाँ से ये दोनों बिंदु कट होते हैं उस पर एक्स एक्सेस पर उसका मान देखो ये देखो यहाँ लगभग कट हो रहे हैं ये यहाँ पर नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लो एक्स एक्सेस पर वही मान आएगा माध्यक क्या आएगा बच्चों माध्यक अब तुम बोलोगे कि भाई तीनों क्वेश्चन में ही से अधिक तो पूछा ही नहीं है किसी में से कम पूछा है और किसी में से अधिक पूछा है फर्स्ट में से कम पूछा है सेकेंड में भी से कम है और इसमें अधिक है दोनों पूछे ही नहीं है तो क्या करेंगे इसमें करेंगे कि बारंबारता का योग कितना है इसमें बारंबारता का योग पचास है ना तो पचास का भाग पचास में दो पचास में अपने दो का भाग लगाओ तो कितना आएगा पच्चीस ठीक है ना तो यहाँ पे उस हिसाब से देखना है कि पच्चीस पर ये पच्चीस वाई एक्सेस पे अपन ने देखा पच्चीस ठीक है ना अपने पाँच जो दस पच्चीस यहाँ पे आएगा तो पच्चीस या इधर घूम जाओ आगे है ना वाइएस पे पच्चीस का मान बनाते हुए आगे बढ़ जाओ से अधिक बनाना है तो भी ग्राफ पे ये इस लाइन पे कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा है ना? इस तरह से बनाना है, देखो कि पच्चीस वाला पॉइंट लेके और यहाँ से एक लाइन खींच दो ये लाइन ग्राफ पे से कम वाला बनाओगे या से अधिक वाला कहीं ना कहीं तो कटेगी उस पर एक्स एक्सेस का मान होगा वो माध्यक होगा वापस समझो इस क्वेश्चन में बारम्बारताओं का योग कितना था बच्चों पचास अच्छा अपन को पता ही है कि अपन से अधिक हो या से कम हो कुछ भी हो अपन को माध्य ज्ञात करने में एनापोन टू करते हैं क्या करते हैं एनपोन टू तो पचास बटा दो कितना हो गया पच्चीस ठीक है तो ग्राफ में अपन को माध्य कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पे वाई एक्सेस पे पच्चीस देखो और उससे एक सीधी लाइन बना दो कोटी बना दो उस कोटी पर जो ग्राफ से जहाँ से कटेगी ना उस पर भुज का मान चाहिए इसका मतलब एक्स एक्सेस पर क्या मान प्राप्त हो रहा है ठीक है ना से अधिक वाला आएगा तो भी एक बिंदु पे मिलेगा से कम वाला बनाएंगे ग्राफ तो भी एक बिंदु पर ये वाला चीज़ कटेगी और वहाँ पर अपन को यहाँ जो ग्राफ का बिंदु है एक्स एक्स से क्या मिल रहा है वो आप यहाँ से काउंट कर सकते हो तो ये आएगा एक सौ अड़तीस पॉइंट समथिंग ठीक है ना एक सौ अड़तीस पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे पॉइंट दिख नहीं रहा होगा तुम लोग ग्राफ बनाना अपने ग्राफ में देख लेना ठीक है ना बच्चों चलो ये अपने पास चौदह पॉइंट चार खत्म होती है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं ओके